हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बिहार सरकार की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आ रही है सभी स्टूडेंट के लिए। और जैसा कि सभी छात्र जान रहे हैं कि यहां पे सरकार बन गई है, नई सरकार एनडीए की, और यहां पे एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया है। और सभी डिपार्टमेंट, यानी कि सभी डिपार्टमेंट में कहने का मतलब है कि आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट, नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट, यानी कि मैं उदाहरण के तौर पर बता दूँ तो BSPSCL हो गया, आपका जल संसाधन विभाग हो गया, आपका दरोगा हो गया, और पुलिस विभाग हो गया, और उसके बाद मैं बता दूँ जितने भी डिपार्टमेंट हैं टीचर्स का, सभी जगहों से यहाँ पे एक लेटर निकाला गया है कि आपके डिपार्टमेंट में कितना काम कर रहे हैं और कितना सीट खाली है, सभी चीज़ डिटेल्स मांगा गया है। और ये लेटर भी पब्लिश हो चुका है ऑफिशियली। तो इस वीडियो में बने हुए रहिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोग के लिए, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सभी छात्र जो नए देख रहे होंगे, मैं सभी से एक निवेदन करूँगा, रेड कलर से जो लिख कर आ रहा है सब्सक्राइब, उसको जैसे भी हो प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन कॉल कर दीजिए। अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा। तो मैं देखिए लेटर खोल चुका हूँ, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, पत्र संख्या 21 आयोग विविध 5/22/2019 189/82 सामान्य प्रशासन। और यहाँ पर प्रेषक गुफरान अहमद, सरकार के उप सचिव सेवा में, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव विभागाध्यक्ष, सभी विभाग बिहार पटना। तो सभी विभाग में आप लोग समझ सकते हैं जितने भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी डिपार्टमेंट का। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे डेट आपका मेंशन किया गया है 17/11/2020 पटना 15। तो विषय में मैं पहले पढ़ के सुना देता हूँ आप लोग को। विषय है संविदा पर कार्यरत एवं संविदा पर नियुक्ति हेतु प्रक्रियाधीन पदाधिकारियों कर्मियों की सूचना, सेवानिवृत्त कर्मियों का नियोजन संविदा नियोजन को छोड़कर उपलब्ध कराने के संबंध में है, ये विषय हो गया। और यहाँ पे देखिए महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18/7/2007 द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शन सिद्धांत निरूपित की गई है। उपरोक्त संकल्प के आधार पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा हेतु आधार पर पदाधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। उप संकल्प के आधार पर कतिपय अन्य पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई हेतु विज्ञापन प्रकाशित पर कार्रवाई की जा रही है, अतः एवं कतिपय अन्य पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रस्तावित है। तो यहाँ पर संविदा शब्द है, राज्य सरकार द्वारा उक्त के संबंध में सूचना संग्रहित किया जाना है, अतः उपयुक्त के आलोक में अनुरोध है आपके विभाग के नियंत्रणधीन विभिन्न कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालय समेत सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18/7/2007 के तहत संविदा पर कार्यरत एवं संविदा पर नियुक्ति हेतु प्रक्रियाधीन पदाधिकारियों कर्मियों की निम्न सूचना, सेवानिवृत्त कर्मियों का संविदा नियोजन को छोड़कर पदवार कंडावार अविलंब उपलब्ध करवाने की कृपया की जाए। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि स्वीकृत पदों के विरुद्ध संविदा नियोजित कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों की संख्या, स्वीकृत पदों के विरुद्ध संविदा नियोजन हेतु प्रक्रियाधीन पदाधिकारियों कर्मियों की पदों की संख्या, स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियोजन प्रस्तावित पदाधिकारियों कर्मियों की संख्या, उक्त संकल्प के अतिरिक्त अन्य आवश्यक आधारित पर पदों पर की गई संविदा पर नियुक्ति की गई पदाधिकारियों एवं कर्मियों की संख्या, कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। विश्वजाजन गुफरान अहमद, सरकार के उप सचिव। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने आप लोगों को पढ़कर सुनाया। तो मेनली रूप से ये सभी डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखा गया है, ये लेटर, और यहाँ पर कहा गया है कि आपके डिपार्टमेंट में कितना सीट खाली है, कितना आपका स्टाफ है, कितना ऑफिसर्स लोग वर्क कर रहे हैं, और सभी डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे बोला गया है कि ये जो बहाली आएगी, मतलब कि ये आपका संविदा पे होगा। और यहाँ पे साफ साफ आपका यहाँ पे मेंशन किया है संविदा, ये शब्द आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आने वाले दिनों में आपको परमानेंट बहाली की जगह पे संविदा बहाली देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे लेटर के थ्रू साफ साफ आपको देखने में मिल सकता है। और ये एक डिपार्टमेंट की नहीं है, यहाँ पर सभी विभाग को मैं बोलता हूँ, तो जल संसाधन विभाग, बिजली विभाग, आपका पुलिस विभाग हो गया, आपका टीचर्स वाले हो गया, यानी कि आपका जो पैरामेडिकल स्टाफ उनका हो गया, सभी डिपार्टमेंट का। तो आप इस लेटर से समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपको बहाली तो मिल सकती है, लेकिन आपको यहाँ पे संविदा वाली बहाली मिल सकती है देखने को।
तो ये था आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट। तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जितने भी छात्र नए देख लेंगे सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और आपका क्या राय है इस पर, संविदा होना चाहिए या परमानेंट होना चाहिए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। एक